आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और डालना है पिक्सल लैब, PIXCALABLAB, पिक्सल लैब। अब आप इसे सर्च करिए, देखिए ये सर्च बटन में नीचे आ चुका है क्योंकि ये मेरे पास है और इसे मैंने खोल दिया। ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने इसे खोला है, ये मेरे पास अवेलेबल है। चलिए बैक चलते हैं और वहीं पे जाते हैं। ये आप के लिए हर तरह से मददगार है, इससे आप कोई भी टैक्स बना सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं पिक्सल लैब, इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको न्यू टैक्स, इसका आपको सब कुछ दिख रहा है सामने, आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं। देखिए अब एडिट पर क्लिक किया मैंने, सबसे पहले एक छोटा सा नाम लिख के मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, टेक राहुल, इस पर क्लिक करिए। इसको एडजस्ट कर लिया अच्छे से। अब चलिए इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे वो हैं तो मैं अलग अलग करके आपको एक एक चीज़ बताऊंगा अच्छे से कि ये कैसे हो सकता है। अब मैंने इसको आगे पीछे सेट किया है और रिलेटिव पोजीशन पे आप इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी सेट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से जैसा आपको अच्छा लगे। आइए आप इसके साइज पे आते हैं। साइज आप इसकी बड़ी छोटी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आराम से आप कर लेंगे। जैसा आपको अच्छा लगे आप उस साइज में इसको सेट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं पैडिंग पे। पैडिंग पे आप साइड से, लेफ्ट से, राइट से, आप दोनों साइड से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसकी लेंथ को बड़ा छोटा कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। आते हैं कलर पे, आप इसे कलर कर सकते हैं, कोई भी कलर आप कर सकते हैं। बगल में प्लस आइकॉन है, आप इस पर क्लिक करके कलर आप ले सकते हैं यहाँ से और एक्स्ट्रा, और इसको सेट कर सकते हैं। फिर टेक्सचर पे क्लिक करते हैं। टेक्सचर में क्या होता है कि आप अपने जो आपने लिखा है आप उसके अंदर कोई भी एक पिक्चर लगा सकते हैं। ये मैंने ले लिया अपने चैनल का नाम। ये देखिए आपको इस तरह ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये पूरा वाइट है, बस एक लाइन है इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। तो इसको बैक कर दीजिए और आप आइए ऑपेसिटी पर, आप इस पर क्लिक करिए। आप इसको आराम से घटा बढ़ा सकते हैं जिससे कि आप एकदम आसानी से इसको बना लें। रोटेट पे आइए, आप इसको किसी तरह भी रोटेट कर सकते हैं, अगल से, बाएं से, दाएं से, कहीं से भी आप इसको आराम से रोटेट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ सही के निशान पे क्लिक कर दीजिएगा वरना बैक कर दीजिएगा। आइए मास्क पे आते हैं, आप इनेबल करिए इसको। आप किसी तरीके से, हर तरीके से आप इसको देख सकते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। फिर आप फॉन्ट, सबसे ज़रूरी चीज़ फॉन्ट, इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं जो कि आपकी वीडियो की शोभा बढ़ा देते हैं, आपकी चैनल की शोभा बढ़ा देते हैं। मेरा ये फेवरेट है आर्मरेट, मैंने इसे कर दिया है। बोल्ड इटैलिक, आप इसे किसी तरह भी चेंज कर सकते हैं, किसी तरह भी इसे तिरछा कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन दे सकते हैं, BIU। चलिए अब कर्व पे आते हैं, आप इसे किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं, जितना भी आपका मन करे आप इसे बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं इसे। और अब आते हैं बैकग्राउंड में, आप इसके बैकग्राउंड के इनेबल करिए और इसके बैकग्राउंड में आप कोई भी कलर डाल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिया है, कोई भी कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ जो सही का निशान है इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ये वाइट है तो वाइट नहीं, ब्लैक। एलिगन पे आते हैं, एलिगन में आप लेफ्ट, राइट, सेंटर, इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं जैसा आप जस्टिफाई हो, वैसे बहुत आराम से आप इसको सेट कर सकते हैं। स्पेसिंग में आते हैं, आप इसमें वर्ड या लेटर के बीच में स्पेस दे सकते हैं और स्पेस देते देते आप अपने वीडियो को अच्छा बना सकते हैं। स्ट्रोक, स्ट्रोक में आते हैं हम, इसको साइड से, इसकी लेंथ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आप किसी भी तरह से लंबा कर सकते हैं। स्ट्रोक में आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इसमें आप कलर दे सकते हैं, रेड, ब्लैक, जो आपको कलर अच्छा लगे आप वो कलर इसमें दे सकते हैं। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके आप कलर दे सकते हैं। आते हैं इस पे इनेबल करके इसको बनाते हैं किसी भी कलर में। फिर इनर शैडो में आते हैं, आप
टेक्स्ट के शेडो को शेडो दे सकते हैं, टेक्स्ट के इनर में शेडो दे सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। एम्बॉस में आते हैं, एम्बॉस में आने के बाद आप इसकी लाइट एंगल किसी भी तरह मोड़ सकते हैं। देखिए टेक्स्ट में परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे आप देख रहे हैं टेक्स्ट में परिवर्तन हो रहा है। प्रॉस्पेरिटी पे आते हैं, इसे इनेबल करते हैं, आप इसमें बहुत कुछ लगा सकते हैं। इनेबल करने के बाद 3D रोटेट में आते हैं, 3D रोटेट में आप इसे किसी भी एंगल में मोड़ सकते हैं, किसी भी एंगल में एक्स में या वाई में आप इसे मोड़ सकते हैं हर डिग्री पे, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। 3D टेक्स्ट इसमें आते हैं, इसमें आप इसे इनेबल करिए और इसे आप 3D की तरह, जैसे पीछे 3D में दिख रहा है आपको इफेक्ट, आपको ऐसा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं, एक्स वाई पे हर जगह पे, जेड पे सब जगह पे आप इसे आराम से रोटेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं और इसमें लाइटिंग दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। इससे ही लोगो भी बनाया जा सकता है एकदम आसानी से, जो कि मैं यहाँ पे अभी आपको बना के दिखाऊंगा लोगो की कैसे लोगो बनता है। 3D शेडो पे आते हैं, इसे इनेबल करते हैं और इसमें आप 3D शेडो में आप इस मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा है इसका शेडो दे सकते हैं। टेक्स्ट में आते हैं, इसमें आप वर्टिकल ऑफसेट, इसको आप नीचे का जो बैकग्राउंड आता है वो आपको आ जाएगा, और रिफ्लेक्शन। अब आते हैं, इसमें आप स्टिकर्स दे सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इसमें स्टिकर्स हैं, जो कि आप देख रहे हैं कॉर्नर पे स्टिकर एक आ गया है, मैंने वो लगाया है। पैक करते हैं इंपोर्ट, इसमें आप कोई भी पिक्चर ले लेके वहां पे इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर आप वहां पे लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी शायद ही लगाऊं क्योंकि लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, प्लस का आइकॉन है बगल में, आप उस पर क्लिक करके कलर ले सकते हैं। आप इसमें शेप्स ले सकते हैं, शेप्स में आपको हर तरह के शेप्स मिलेंगे। ये देखिए आप शेप्स, सर्कल मिला आपको, जैसा शेप चाहिए आपको वैसा शेप मिल जाएगा। आप इसे हर तरीके से सेट कर सकते हैं जैसा कि आप चाहें। आप इसे एरो लगा सकते हैं ताकि आप इसे दिखा सके, एरो में आपको अलग अलग तरीके के एरो मिल जाएंगे, ये सर्कल वैसे वैसे देख लीजिए, बहुत तरीके के एरो हैं। आप इससे बहुत अच्छा लोगो बना सकते हैं अपना, जिससे कि आपको देखने में ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके कलर ले सकते हैं, और ऑपेसिटी, स्ट्रोक, कलर, हर चीज आपको घटा बढ़ा के देख लेनी है कि आपको कैसा लगता है वो बनाने में। आप इसे कलर दे सकते हैं, अगर आपको कलर देना है तो आप इसमें कलर दे दीजिए, कलर पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड में इसके कोई भी कलर दे सकते हैं, ब्लैक, येलो, व्हाइट, कोई भी कलर दे सकते हैं। प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके कलर ले सकते हैं आप कोई भी, ट्रांसपेरेंट, जैसे आपको अगर सिर्फ नाम चाहिए तो आप पीछे का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर दीजिए और ये जो आप लिखे हैं वही बस आएगा। आपको इमेज की साइज भी आप देख सकते हैं, एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इमेजेस पे क्लिक करके आप इसके बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं कोई भी, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। आप गैलरी में भी जाके इमेज लगा सकते हैं, कैमरे से भी खींच के इमेज लगा सकते हैं। इसमें हर तरीके के शेडो दिए हुए हैं, आप इसके बैकग्राउंड में शेडो लगा सकते हैं जैसा कि मैंने लगाया है लोगो बनाते वक्त, और ये आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपने चैनल के लिए यही मोटिव होता है कि चैनल बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। तो आप अभी मैं आपको इसकी सारी सेटिंग्स धीरे धीरे करके समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक लोगो बना के दिखाऊंगा जो कि आपको देखने में अच्छा लगेगा। ये आप इसे देखिए और बनाइए, इसमें कलर, कंट्रास्ट सब आप इसका बैकग्राउंड देख सकते हैं एकदम अच्छे से। बैकग्राउंड हो सकता है ह्यू पे आप क्लिक करके थोड़ा बहुत इसे बढ़ा घटा सकते हैं, जिससे कि आपके पीछे का बैकग्राउंड देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, पिक्सल लैब की हर एक सेटिंग मैंने आपको धीरे धीरे करके बता दी, और अब तो कुछ बताने के लिए है नहीं, तो इसीलिए इसे मैंने डिलीट कर दिया। चलिए अब हम एक लोगो बनाते हैं।
मान लीजिए हमको 3D लोगो बनाना है, तो उसके लिए हमें 3D लेना पड़ेगा। तो मैंने 3D ले लिया है, यहाँ पे इसे मैंने सेट कर दिया और एडिट पे गया और अपना ही मैं बनाता हूँ टेक राहुल, टेक राहुल। आप यहाँ से ओके कर दीजिए और इसे सेट कर लीजिए अच्छे से। सेट करने के बाद अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसे कलर करेंगे। कलर पे क्लिक किया, मैंने रेड कलर किया, मुझे रेड कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको ही किया। आपको जैसा लगे आप वैसा करिए। फिर हम आएंगे इसके, कहाँ गया, हाँ, इसे हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, बट ये रोटेट होते हुए अच्छा नहीं लगेगा। छोड़िए, हटाइए, मैं इसे रोटेट नहीं कर रहा हूँ। आपको जैसा लगे आप वैसा करिएगा। अब मैं आता हूँ फॉन्ट पे। फॉन्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है, इसमें बहुत सारे फॉन्ट दिए हैं जैसा कि मैंने आपको आगे बता दिया है। और ये फॉन्ट मैंने आम ले लिया, ये मेरा फेवरेट है, इसे मैंने ले लिया और यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये थोड़ा बोल्ड इटैलिक कर दिया, इसका स्टाइल भी चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया। अब मैं जाऊँगा आगे, आगे बढ़ते 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 मुझे जाना है, कहाँ गया कहाँ गया, ये आ गया। अब मैं इस पे सेफ पे जाऊंगा और सेफ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किया, मैंने सेफ चेंज चेक करके यहाँ सेप्स ले लिया। आपको जो सेप्स अच्छा लगे वो आप लीजिए, ट्रायंगल लीजिए या सर्कल लीजिए या चतुर्भुज लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले लीजिए। और यहाँ पे इसको एकदम अच्छी तरीके से कम ज़्यादा करके आप इसे बना सकते हैं। ब्लैक कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है और ब्लैक पे रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। यहाँ आप इसे शेडो देकर एकदम आराम से ऑपेसिटी कम बेसी कर कर आप इसे देख सकते हैं कि ये कैसा लगता है आपको बनाने में, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं शेप्स पे फिर जाता हूँ, शेप्स लेता हूँ और इसमें कलर देता हूँ। क्योंकि लोगो बनाने बनाने में कुछ ऐसा होता है कि आप अच्छे लोगो बनाएंगे तभी आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, इसलिए मुझे लोगो बनाने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन बट आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा तो आपको समझ में आएगा कि लोगो बनाने में भी कितना समय लगता है, जिससे कि मैं लोगो आपको बना के दिखा रहा हूँ। और ये लोगो बस अभी 5 मिनट और बन जाएगा, तब आपको देखने में अच्छा लगेगा, जिससे कि आप लोगों को देख के जानेंगे कि नहीं लोगो अच्छा बना है कि खराब बना है। और इसमें आप कोई भी ब्लर दे सकते हैं, जैसे आपने कलर किया तो आप उसे ब्लर कर सकते हैं। ये मैं एडिट पे, एडिट कहाँ गया, एडिट एडिट ऑप्शन, एडिट शेप्स, एडिट टेक्स्ट, नो नो ओ सॉरी, एडिट 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 आ गया। इस पे मैंने क्लिक किया और ये शेप्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जिसके लिए कि ये स्ट्रोक विदित 18 और ग्रेंडियत, ये मैं चैनल के लिए अपने बनाया था लोगो, इसी से मैंने अपना लोगो बनाया था और मुझे ये काफ़ी अच्छा पड़ा था बनाने में। बहुत सिंपल सा मैंने इसे बना दिया था, जिससे कि लोगो बहुत ही आसानी से बन गया। ये ऑपेसिटी मैंने कम कर दिया थोड़ा सा, जैसा आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे सेट कर लीजिएगा इसको, जो आपको अच्छा लगे आप वही करिएगा। मैंने इसे सेट कर दिया, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है अब पहले से। तो आपको लोगो पसंद आया, अब आप ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे आप एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। आप यहाँ से इस पर शेयर भी कर सकते हैं, किसी को भी, फेसबुक ट्विटर गूगल किसी पे भी शेयर कर सकते हैं। इसको सेव करना है, आपको सेव करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा।